ओके हाय, आई एम शामिन मन्नान. और लव शगुन जो फिल्म है उस शगुन जैसे है. शगुन इज़ नॉट अ गर्ल, ये शगुन वो एस्ट्रोलॉजी वाले शगुन के बारे में है. और दिस फिल्म इज़ अबाउट फ्रेंडशिप, इज़ अबाउट रिलेशनशिप्स. और इट्स अ कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म. दे आर मैनी कैरेक्टर्स इन द फिल्म और दे आर वेरी रिलेटेबल. आप जब ये फिल्म देखेंगे तो आप किसी ना किसी कैरेक्टर के साथ डेफिनेटली रिलेट कर पाएंगे. इट्स अबाउट लव ऑल्सो, द फिल्म इज़ अबाउट लव. एंड कैसे इसमें जो एक कैरेक्टर है वो कैसे लव और एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में फंस जाते हैं. तो इट्स अबाउट दैट. सो आई थिंक शामी ने काफ़ी क्लियर कर दिया कि मूवी क्या है. मैं सिर्फ ऐड करूँगी कि इट्स अ वेरी यूथ बेस्ड फिल्म जिसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं. आप वो सारे कैरेक्टर्स जो हैं आप रियल लाइफ में भी देखते होंगे. वैसा कोई फ्रेंड, वैसे किसी की गर्लफ्रेंड, वैसा ही मदर के साथ भी मे बी रिलेशनशिप. सो इट्स लाइक कवरिंग मैनी थिंग्स इन वन पैकेज. बहुत ही रियलिस्टिक है. और या आई विल ओनली ऐड दैट इट इज़ अ यूथ ओरिएंटेड. हाँ, तो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स है और इसमें हर कैरेक्टर का डेफिनेशन ऑफ लव भी दिखाया गया है. कि जैसे कि मेरा कैरेक्टर है, आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ शमा. तो शी इज़ अ बार डांसर, बट वो बिल्कुल वैसी लाउड नहीं है. शी इज़ स्वीट एंड इनोसेंट और उसको लाइफ में प्यार चाहिए, तो वो प्यार ढूंढती रहती है. तो जब उसको वो प्यार मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती है और बहुत ज़्यादा डिवोशनल है. तो शमा का प्यार जो है बहुत डिवोशनल टाइप का है. वैसे सबका अलग अलग प्यार है. जैसे इनका वो जो मेरा प्यार है, आई थिंक आपने अभी डोमिनेटिंग वर्ड यूज़ किया था. तो बहुत सारी गर्ल्स आजकल ऐसी होती हैं बिकॉज बहुत कुछ आसपास आपको देखने को मिलता है. तो बहुत सारी लड़कियां बहुत सारी पजेसिवनेस जो है रिलेशनशिप में ले आती हैं और बॉयफ्रेंड को लेके पजेसिव हो जाती हैं और बहुत सारे ब्रेकअप्स भी हो जाते हैं उसके बीच. पर आई थिंक उस सबको भी एक्सेप्ट करके उस लव को सस्टेन करना, एडजस्ट करना, दिस इज़ वॉट इज़ एक्चुअल लव. तो मैं जो कैरेक्टर मून का प्ले कर रही हूँ, हाँ शी इज़ पजेसिव बट शी हैज़ हर ओन टर्म्स कि क्यों वो वैसी है, ऐसी क्यों बनी है. एंड सेकेंडली हाउ द लव सस्टेन्स. तो ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स हैं. वी यूज टू ट्रेवल टुगेदर. हमारा ऐसा कुछ वो भी नहीं था, वी ऑल नीड सेपरेट कार्स. नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं था हमारा. हम लोग साथ में ट्रेवल करते थे, साथ में खाते पीते थे. हम लोग इनफैक्ट सब लोग साथ में बैठ के खाते थे. तो बहुत इन्जॉय किया हमने. इट वॉज लाइक अ फैमिली, इट वॉज लाइक अ फैमिली गेट टुगेदर एंड इवेंचुअली वी मेड अ फिल्म. फिल्म को लेकर कुछ एक्साइटमेंट, कुछ नर्वसनेस? यार फिल्म आ रही है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है. जब इस फरवरी को फिल्म आ रही है, बहुत ही अच्छी चीज़ है. हम लोग बहुत मेहनत करते हैं. जब एक फिल्म बनती है तो उसमें कम से कम नहीं तो 250-300 लोगों की मेहनत होती है. जब वो फिल्म सक्सेसफुल होती है, उन सबको अच्छा काम मिलता है, वो लोग आगे जाते हैं, आगे काम करते हैं. और फिल्म मेकिंग इज़ अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस. यू ऑल कम टुगेदर एंड यू मेक अ फिल्म. एंड व्हाट एल्स कैन बी बेटर देन दैट व्हेन इट इज़ अप्रिशिएटेड एंड एडमायर्ड बाय द ऑडियंस. सो आई बिलीव एंड आई विश हमारी फिल्म बहुत सक्सेसफुल हो. और मैं आप सब लोगों से चाहूँगा कि आप लोग थिएटर्स में जाइए, फिल्म्स देखिए, हमारी फिल्म को सपोर्ट कीजिए. अगर अच्छी लगे तो बहुत अच्छा, हमको भी बहुत अच्छा लगेगा. अगर कुछ ख़राब लगे तो प्लीज़, हम सब लोग फेसबुक पे, ट्विटर्स पे, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हैं. फीडबैक दीजिए हमें. हम लोग डेफिनेटली वो जो फीडबैक होगा हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी नेक्स्ट फिल्म में, न्यू अगली वेंचर में. फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए.